आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन अपडेट एसटीएम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। ये जरूरी नहीं है आप बिहार आईटीआई के स्टूडेंट हैं तभी आपके लिए ये वीडियो है, अगर आप बिहार आईटीआई के स्टूडेंट नहीं है फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको भविष्य में कहीं भी बैंक ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सेम प्रोसेस रहेगा, जिस भी चीज़ के लिए बनवाते हैं बैंक ड्राफ्ट वो सारे डाउट आज क्लियर करेंगे आपको कि कैसे आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और कैसे इसको फॉर्म जो है फिल करना होगा और ये बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाने के लिए कितना चार्ज देना होगा, कितने पैसों के लिए, सारे ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि यह कैसे बनाएंगे और कहां से बनवाएंगे, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। यहाँ पे आपको बैंक ड्राफ्ट को आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बोला जाता है जो कि डीडी के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट देखने में जो है लगभग आपको बैंक का जो चेक बुक होता है आपका सिम उसी प्रकार होगा। आपको मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार आपको मिलेगा। ये आपका हो गया बैंक ड्राफ्ट, इसे डीडी भी बोलते हैं या डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं आपको। चलिए उसके आगे बताते हैं, पूरे जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, आपका जो भी डाउट है क्लियर करेंगे। यहाँ पे जब आप जाइएगा बैंक में आप डीडी बनवाने तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा। डीडी फॉर्म आप बोलिएगा काउंटर पे, सर हमें डीडी फॉर्म चाहिए, हमें यहाँ पे बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट या डीडी बनवाना है। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो फॉर्म जो है अपने बैंक में सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। आपको बैंक कुछ देर के बाद जो है आपको डीडी प्रोवाइड करेगी जो कि प्रिंट करके आपको ये डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट आपको मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले उस फॉर्म में भरना होगा कि आपको किस नाम से डीडी बनवाना है, किस व्यक्ति या किस संस्थान के नाम से ये ड्राफ्ट आपको बनवाना है, वो आपको फॉर्म में फिल करना होगा। और ये इसके लिए बनवाने के लिए आपको कुछ रकम भी देनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज होता है, तो आपको 20 रुपया 25 रुपया के करीब आपको पे करना होगा यदि आपको 1,000 या 1,500 2,000 तक का है तो। और आपको ये भी उसमें फिल करना होगा कि आप जो डीडी बनवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो आप जिस भी जिसके नाम से बनवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बता दिया जाता है कि कितने का डीडी आपको बनवाना है। जैसे सपोज दैट अगर आप बिहार आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए आपको पे करना है। यहाँ पे बता दिया गया कि 1,790 का आपको डीडी बनवाना है जो कि आपको नाम फिल यही करना होगा। यहाँ पे फेवर आपको लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी आपको भराएगा। आपके आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें अलग हो सकता है, या आप अदर चीज़ के लिए बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका नाम अदर हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए डीडी बनवाना चाहते हैं। तो नाम में यहाँ जिसके द्वारा बनवाना चाहते हैं जिसके नाम से, तो ये प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी बनवाना होगा। उसके लिए रकम आपको भरना होगा 790 रुपया भरना होगा। चलिए उसके बाद आपको बात कर लेते हैं, पूरे स्टेप आपको बताते हैं। उसके बाद आपको इसे वहाँ भरने के बाद इसके लिए आपको हमने बताया है कि चार्ज देना होगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का डीडी बनवाते हैं तो इसके लिए आपको पैन नंबर भी वहाँ लगाना होगा। अगर आप उससे कम का बनाते हैं तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपके पास उस बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है या सेविंग अकाउंट नहीं भी है तो आप डीडी बनवा सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्ट काउंटर पे जो है आप पैसा पे कर सकते हैं, पैसा देकर भी, नगद पैसा देकर भी उससे बनवा सकते हैं। या आपके पास अकाउंट है तो आप चेक बुक के माध्यम से भी आप डीडी बनवा सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकते हैं और डीडी बनवा सकते हैं। नहीं है तो आप नगद देकर जो है ये डीडी बनवा सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि डीडी फॉर्म जो है कैसे फिल करना है, पूरे स्टेप बताते हैं आपको। सबसे पहले आप जब काउंटर पे जाइएगा तो बोलिएगा सर हमें डीडी फॉर्म चाहिए। जब मिलेगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको फॉर्म में। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना शाखा लिखना होगा, जिस भी ब्रांच से बनवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जिस डेट को डीडी बनवाना चाहते हैं
उस डेट यहाँ पे वो डेट आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आवेदक का नाम होगा, यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं देना है, इशू यानी आप ये किसके लिए इशू करना है, फेवर वाले का नाम। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है, जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर होगा तो यहाँ में पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेवर ऑफ प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी। तो सेम यहाँ पे वही आपको फिल करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी या आपका अलग हो सकता है, आप यहाँ पे वही लिखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, अगर आप अपने बैंक से कटवाना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं ब्रांच का नाम उसके, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी देना है तो यहाँ पे उसका शाखा जो है सीतामढ़ी का है तो सीतामढ़ी ही देना होगा। उसके बाद नीचे में आपको कितने रकम है, कितने का देना है, अगर 790 का है तो यहाँ पे शब्दों में हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा, तो 790 का है तो 790 वहाँ पूछ लीजिएगा कि सर अगर 790 का हमें डीडी बनवाना है तो उसका चार्ज कितना होगा, 20-25 रुपये का अप्रॉक्स होगा, तो यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा लिखने के बाद टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका डाउट हो गया होगा क्लियर, ये रिसीविंग आपको मिल जाएगा और ये जो है ये बैंक के पास चला जाता है। यहाँ पे भी आपको वही फिल करना होगा, सबसे पहले आप जिस भी ब्रांच से बनवा रहे हैं उसका नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे डेट दे दीजिएगा और जिसके नाम से बनवाना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे कितने अमाउंट का बनवा रहे हैं वो अमाउंट देना होगा, ये जिनके नाम से बनवाना चाहते हैं उसका ब्रांच कहाँ पे है, कहाँ दिल्ली, ये दिल्ली का है, अगर आपका सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, पटना का है तो यहाँ पे पटना ही देना होगा। उसके बाद अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आप पैन नंबर दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका आवेदक का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, यानी आपका अपना नाम यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना होगा इस वाले बॉक्स में। उसके नीचे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट जो मिल जाएगा आपको इस यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और उसके बाद आपको आधा एक घंटा में आपको जो है डीडी बनाकर बैंक प्रिंट करके आपको प्रोवाइड कर देगी। अब देखने में डीडी इस प्रकार आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका डेट लिखा रहेगा, डीडी अगर जिस डेट से को बनवाते हैं उससे 6 महीने के लिए वो वैलिड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आज बना लिया अगर कल नहीं हुआ तो मेरा एक्सपायर हो जाता है, ऐसा नहीं है। डीडी आपको 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 महीने तक आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिसके नाम से बनवाते हैं अगर प्रिंसिपल आईटीआई सीतामढ़ी तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे में अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे बैंक का जो मैनेजर है उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। और आपको सबसे मेन बात, यहाँ पे आपका जो डीडी का मेन नंबर जो होता है यही होता है, आपको सिंपली क्या करना है, मिल जाने के बाद आप इसे लिख कर रख लीजिएगा, अगर बाय चांस डीडी खो भी जाता है तो ये नंबर से आप डीडी निकलवा सकते हैं कुछ पैसे देकर, इसलिए नंबर आप बनाने के बाद 100% है, इसे आप रख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप डीडी जो है बनवा सकते हैं, इस प्रकार डीडी का ये फॉर्मेट है। अब आपको हम संपूर्ण जानकारी बता दी कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपका उसमें क्या क्या भरना होगा, किन के नाम से भरना होगा, कितने अमाउंट का भरना होगा, क्या चार्ज होगा, आपको बैंक से ही पता चलेगा, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट हो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ इस चैनल के ही माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।